हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती करूंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 11:30 बजे से, और आज संडे है। संडे के दिन बिल्कुल सुबह भी सुबह को ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट्स बनाने होते हैं और उसके बाद घर के काम निपटाए, और अभी आ गए हम छत में। और मौसम देखिए, आज भी तेज़ और कड़क धूप है। वैसे भी अब धूप की ज़रूरत तो है, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है। और सामने खेतों में धान भी कट चुके हैं, और किसी ने तो मड़ाई भी कर ली है और किसी ने काट के रखे हैं। और यहाँ पे मैंने गेहूं धूप में डाल रखे हैं, क्योंकि अच्छी धूप लगी थी। मैंने कहा चलो गेहूं डाल देती हूँ आज, क्योंकि आटा भी थोड़ा ही बचा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर तो बिल्कुल गेहूं डालने लायक ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं छत में ले आई। और बाहर आंगन में काम चल रहा है, इस वजह से मैंने आंगन में नहीं डाली, और इसलिए मुझे इतने ऊपर छत में लाना पड़ा, नहीं तो मैं बाहर ही डाल देती हूँ, ज़्यादातर बाहरी धूप में डाल लेती हूँ। बाहर भी बहुत देर तक धूप रहती है हमारी। और काम वाले भी आ रखे हैं, लकड़ी वाले भी आए हैं, और नीचे टाइल वाले भी आ रखे हैं, और इसके अलावा मिस्त्री भी आए हैं, और बरामदे का थोड़ा सा पत्थर बचा था उसको भी तोड़ दिया है। फिलहाल नीचे चलते हैं और दिखाते हैं क्या काम चल रहा है। और चारों तरफ ना आज काफी धुंध जैसी फैली हुई है, और बरामदे का पूरा पत्थर तोड़ दिया है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं गेट पे पत्थर। तो नवनीत को खाने हैं मोमो। नवनीत मुंह छुपा रहा है, क्या हुआ? मोमो जी, तो भावेश आ चुका है ट्यूशन से, तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और अब बनाती हूँ खाना, दाल और भात। और सुबह नाश्ता कर लिया था, तो अभी 12 बज चुका है, तो 1 बजे तक खाना बन जाएगा, क्योंकि 2 काम वाले भी खाना नहीं लाए हैं, तो उनके लिए भी बनाना है मुझे, और उनका फिक्स टाइम है 1 बजे खाने का, तो 1 बजे खा लेते हैं वो, तो इसलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और इसमें भिगा रखी है मैंने लोबिया और राजमा, तो इसकी दाल बनेगी। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो टमाटर मंगाए थे, साथ में खीरा और मूली भी ले आए हैं। तो अभी हमारा गेट लग रहा है यहाँ पे, तो एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, जो हमारा गेट है ना अच्छे से अंदर को नहीं खुल रहा है, क्योंकि ऊपर को जो टाइल है वो ऊंची है, तो नीचे से लग जा रहा है गेट, और नीचे सही है, और मतलब बाहर भी ढंग से नहीं खुल रहा है और अंदर भी पूरा नहीं खुल पा रहा है, तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। टाइल वालों की गलती है या फिर गेट वालों की गलती है, वो पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे सबके सब खाने के लिए बैठ चुके हैं नवनीत, भावेश, और ये देखिए मड़ुए की रोटी, ये है मड़ुए की रोटी जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने में बना है आज राजमा की दाल, रायता, भात, अचार, और ऊपर काम वालों को भी दे दिया है, और हम भी खाना खा लेते हैं। ये तो खाने लग गए हैं, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारे सामने पधार रहे हैं देवों के देव महादेव। जय हो प्रभु। कैसे हो प्रभु आप? तो प्रभु की लीला अपरंपार, तो भावेश बना है महादेव। तो ये गेट हमारा इतना खुल रहा है, इससे अंदर को नहीं खुल रहा है, क्योंकि टाइल लग जा रहे हैं, और इसकी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी, ये नीचे हो गया ज़्यादा, और वहाँ भी पूरा नहीं खुल रहा है, साइड लग रहा है उसका, और ये वाला बाहर तो खुल ही नहीं रहा है, अंदर को भी इतना ही खुल रहा है। तो महादेव जी लोकेशन में पहुंच गए, तो इसी लोकेशन में शूटिंग होगी हमारी। यहाँ रास्ता बंद हो गया आज, देखो तो यहीं पे बनाएंगे। तो फाइनली यहाँ को फर्श पड़ चुका है, तो यहाँ पे हो रही है बच्चों की ख्वाहिश पूरी, क्योंकि नवनीत ने कब से बोल रखा था खाना है मुझे, खाना है मोमो चाउमीन खाना है, तो इसलिए आखिर डिमांड पूरी करी दी है। वैसे बच्चों को कम ही देते हम, ज़्यादा नहीं देते, अभी महीने में एक बार हो गया तो हो गया, तो नवनी ने बहुत ज़्यादा जीत करी। हाँ, महीने से भी ज़्यादा हो गया, कितने महीने हुए? नहीं खाना चाहिए ना ज़्यादा ऐसी चीज़ें,